एगेन पोइजोई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए फ्लूड ऑफ विस्कोसिटी 8 पॉइज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 इज फ्लोइंग थ्रू ए सर्कुलर पाइप ऑफ डायमीटर 100 mm। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट द पाइप वॉल इज 210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? डेल पी अपॉन डेल एक्स, हमने डेरिवेशन में देखा था। एवरेज वेलोसिटी और रेनॉल्ड नंबर। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में हमको पता है डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है 8 पॉइस, तो ये हो जाएगा 8 × 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो इसका वैल्यू आएगा 0.8 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। उसके बाद दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ये है 1.2। डेंसिटी क्या हो जाएगा इसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ पर डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1.2 × डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो ये हो जाएगा 1200 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद क्या दिया हुआ है? डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है 100 mm, मीन्स 0.1 meter। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया हुआ है टाउ मैक्सिमम 210 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब हमने पाइप का डेरिवेशन किया था तो हमने देखा था शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कहाँ पे रहता है? वॉल पे रहता है। यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रहता है क्योंकि ये रेडियस के साथ क्या रहता है? प्रोपोर्शनलिटी में रहता है। टाउ प्रोपोर्शनल टू क्या रहता है? रेडियस रहता है। ये हमने इक्वेशन में देखा था। तो इसका प्रोफाइल क्या बनता है? लीनियर प्रोफाइल बनता है। ये दिख रहा है हमको लीनियर प्रोफाइल। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है यहाँ पे? द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स। तो हमको पता है वॉल पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना रहता है? माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू आर बाई टू। वॉल पे रेडियस कितना रहेगा? ये रहेगा कैपिटल आर। तो हमको इसका वैल्यू पता है 210, क्योंकि हम माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, आर का वैल्यू भी पता है हमको 0.1 / 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे से हमारा डेल पी अपॉन डेल एक्स आता है माइनस 210 इंटू 4 अपॉन 0.1 = -18400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मीटर। ये हमारा आ रहा है प्रेशर ग्रेडियंट। सेकेंड हमको क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी यू बार। तो हमने देखा था यू मैक्सिमम इक्वल टू कितना होता है? 2 × u bar। तो यहाँ पे u bar इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 यू मैक्सिमम। तो यू मैक्सिमम का इक्वेशन क्या था हमारे पास? 1/2 - 1/4 μ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू आर का स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? यू मैक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 1/2 - 1/4 μ का वैल्यू आ गया 0.8, डेल पी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू आया -8400, और आर क्या हो जाएगा? 0.1 / 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी 3.28 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल है। इसके बाद हमको क्या निकालना है? रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रो यू बार डी अपॉन म्यू। तो रेनॉल्ड नंबर हो जाएगा, डेंसिटी हमारा निकल गया 1200, यू बार का वैल्यू है 3.28, डायमीटर है 0.1 meter, और म्यू का वैल्यू निकाले थे 0.8। तो ये हो जाएगा हमारा 492 रेनॉल्ड नंबर, जो कि 2000 से कम है। तो यहाँ ये कौन सा फ्लो हो जाएगा? पाइप में कौन सा फ्लो हो रहा है? इसका मतलब है पाइप में लेमिनार फ्लो हो रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। अगर डेरिवेशन अच्छे से करेंगे तो न्यूमेरिकल भी आसानी से बन जाएगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।